आज हम द्वैताद्वैत मंथन पर चलें। द्वैताद्वैत मंथन ये भ्रम है कि सत्ता केवल एक है। सत्ता एक है, सर्वत्र व्याप्त है, अखंड है, निर्विकार है, निर्वयव है, चेतन है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं। इसकी कसौटी कीजिए। कबीर साहब ने कहा है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर बिचारे। अगर कहूँ एक है तो है नहीं, कहने वाला सुनने वाला अलग अलग, तो एक कहाँ? अद्वैत का उपदेश किसमें दिया जाता है? द्वैत में। दूसरा ना हो तो किससे बोला जाएगा? एक कहाँ है? अगर एक सत्ता हो, अवखंड हो और सर्वत्र परिपूर्ण हो, निर्वयव निर्विकार हो, संसार नहीं होगा। कल्पना कीजिए, इस पूरे सभागार में एक पत्थर है, ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं, सर्वत्र आगे पीछे, केवल एक पत्थर है, तो इसमें दूसरा कोई घुस नहीं सकता है, मक्खी भी नहीं आ सकती है। और अखंड है, निर्विकार है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। एक अखंड निर्विकार सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, तो क्रिया स्फूर्ति स्मरण गति नहीं होगा, संसार नहीं होगा। लेकिन जो हमारा रात दिन का अनुभव, वो क्या है? गतिशील संसार है। संसार का अर्थ ही जो सर्क है, संसरत इति संसार, जो संसरण करे, उसको सामान्य भाषा में कहते सरकना, वो संसार है। जगत जा और गत, जा जायमान, गत चला जाना, मिट जाना, बने और बिगड़े, वो जगत है। इतना प्रत्यक्ष सामने है, फिर व्यर्थ की बात उड़ाना कि सत्ता एक है और वो अखंड है, सर्वत्र परिपूर्ण है और निर्विकार है, कितनी वाहियात बात है। सत्ता की दृष्टि से एक है, सत्ता पना एक है, सबका सत्ता पना एक है, लेकिन व्यक्तित्व सबका अलग अलग है। जड़ और चेतन दोनों भिन्न धर्मी हैं। चेतन से जड़ नहीं बनता है और जड़ से चेतन नहीं बनता है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट है, ये वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने कहा। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, कारण के गुण पूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। जो कारण में होगा वही कार्य में होगा। कारण से कार्य अलग नहीं होता है। अगर कारण चेतन है तो सब चेतन होगा। और कारण वो बन सकता है जो विकारी हो। निर्विकारी किसी का कारण नहीं बनता है। मिट्टी विकारी है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील होना, बदलना,
मिट्टी असंख्य कणों का समूह है, उसमें क्रिया है, असंख्य परमाणु है, परिवर्तन है, तब वो घड़ा का कार्य कारण बनता है, पेड़ का कारण बनता है, मकान का कारण बनता है, कंकड़ पत्थर का कारण बनता है, अगणित वस्तुओं का कारण बनता है। निर्विकारी वस्तु किसी का कारण नहीं बनती, उससे कुछ नहीं बनता और वो किसी से नहीं बनता। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, ये उपनिषद का मंत्र है। नायम कुतश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू नहीं पैदा होता। जो अखंड है, निर्विकार है, वो किसी से नहीं पैदा होता और उससे कुछ नहीं पैदा होता। निष्क्रिय, निर्विकार, अखंड, किसी का कारण नहीं हो सकता और किसी का कार्य भी नहीं हो सकता। मिट्टी कारण है, जल कारण है, वायु कारण है, अग्नि कारण है, क्योंकि ये विकारी हैं, असंख्य कणों के समूह हैं, ये जगत पदार्थों के कारण हैं और जगत पदार्थ इनके कार्य हैं। ये कारण कार्य का प्रवाह अनादि और अनंत है। उनसे अलग चेतन है, चेतन एक नहीं है, अनेक है। चेतन पना एक है, ज्ञान पना एक है। जैसे गेहूं की राशि करोड़ों दाने हैं, दाना एक नहीं है, असंख्य दाने हैं। दानों में जो पिसान पना है वो एक है, सब में पिसान पना एक है, आटा पना एक है, लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है। सभी दानों का व्यक्तित्व अलग है। वे दाने भी टूट करके पिस जाते हैं, उनके असंख्य कण हैं। ये विविधता भरा संसार एक कैसे है? एक अखंड, ठोस, निर्विकार, बस जोश में कहते गए, लिखते गए, समाधान की कोई गुंजाइश नहीं। सत्ता पना एक है, सत्ता एक है का मतलब है सत्ता पना एक। मिट्टी की भी सत्ता है, पानी की भी सत्ता है, आग की भी सत्ता है, हवा की भी सत्ता है, चेतन की भी सत्ता है, सत्तापना एक है। गोत तो एक है, लेकिन गायें अनेक हैं। गायों में जो गोत तो है, गायपना है, वो एक है। सभी गाय गाय हैं, गायपना एक है, लेकिन गायों का व्यक्तित्व अलग अलग है। ऐसे मनुष्यपना एक है, किंतु मनुष्यों का व्यक्तित्व अलग अलग है, एक मनुष्य नहीं है। इसलिए एक कहो तो है नहीं, साहब कहते एक कहो तो एक तो है ही नहीं, तो एक कैसे कहें? अनेक है, जड़ तत्व अनेक है। वैज्ञानिक 100 से अधिक तत्व कहते हैं और निर्मित तत्व को भी वो तत्व कहते हैं। रेडियम बदल करके शीशा हो गया, उसको भी वो तत्व कहते हैं। अनेक तत्व हैं जो निर्मित हैं और किसी वैज्ञानिक, किसी कलाकार, किसी महाकवि, किसी महापुरुष के नाम से उन तत्वों का नाम रखा गया है। अब आगे आगे और उनका तत्व बढ़ता जाता है, लेकिन एक तत्व में एक विषय तो होना चाहिए। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होना चाहिए और 100 से अधिक विषयों को जानने के लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रिया होना चाहिए, जो स्वाभाविक होना चाहिए।
लेकिन पांच ज्ञानेंद्री के अलावा छठी ज्ञानेंद्री नहीं है, आँख नाक कान जीभ चाम, ये पांच ही ज्ञानेंद्रियां हैं। क्योंकि संसार में पांच ही विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पृथ्वी का गंध है, जल का रस है, आग का रूप है, वायु का स्पर्श है, और स्पर्श में शब्द है। इसलिए वायु में दो गुण हैं, स्पर्श और शब्द, और पृथ्वी में गंध, जल में रस, अग्नि में रूप, इन चार तत्वों के पांच गुण हैं। दूसरे लोग शब्द को आकाश का गुण कहते हैं, लेकिन वह अवैज्ञानिक है। आकाश कोई द्रव्य नहीं है, आकाश शून्य है, खाली जगह को आकाश कहते हैं। वह भी आकाश में क्रिया नहीं कहते हैं, क्योंकि आकाश में परमाणु नहीं होता है, आकाश को कोई घनमान कोई आकार नहीं होता है, आकाश शून्य को कहते हैं। क्रिया न होने की वजह से शब्द कैसे होगा? शब्द तो क्रिया में होता है। इस पर जगह मीमांसा में पहली बार मैंने लिखा था, डॉक्टर संपूर्णानंद का भी शब्दाधिकरण चित्तविलास में जो है उसको उद्धृत किया। उन्होंने भी कहा है कि पोथियों के प्रमाण से पंडित समुदाय शब्द का संबंध आकाश से जोड़ता है, जो अवैज्ञानिक जान पड़ता है। वायु से खाली जगह में शब्द नहीं हो सकता, वायु से एकदम खाली जगह कर दी जाए, घंटी हिलाई जाए, शब्द नहीं होगा। तो मिट्टी पानी आग हवा, इन चार तत्वों से पांच विषय हैं, पृथ्वी से गंध, जल से रस, अग्नि से रूप, वायु से स्पर्श और शब्द, पांच के अलावा छठा कोई विषय नहीं। अगर 100 से अधिक तत्व हैं तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए, और फिर वो 100 से अधिक इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां होना चाहिए उसको जानने के लिए। वैज्ञानिकों की तत्व गणना रासायनिक दृष्टि से अपने दृष्टिकोण से, लेकिन अंततः वे भी चार में विभाजित करते हैं जो 100 से अधिक तत्व हैं, ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। हम लोग मिट्टी पानी आग हवा कहते हैं, जो सदा से कहते आए हैं। आकाश भी कहते, लेकिन आकाश शून्य है, आकाश में कोई हरकत नहीं, आकाश का कोई परिणाम नहीं, शून्य को आकाश कहते हैं। यदि आकाश भी द्रव्य है तो मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इन सब के रहने के लिए एक अन्य आकाश की कल्पना करनी पड़ेगी, लेकिन आकाश स्वयं शून्य है। पारक सिद्धांत के ग्रंथों में ये सब पर विवेचन है। संसार में सर्वत्र गति है, आना जाना क्रिया, एक अखंड सर्वत्र परिपूर्ण वस्तु में संभव नहीं। इतना साफ होने पर भी कहना सत्ता केवल एक है, केवल हठ है, प्रौढ़ी, जिसको विद्वान लोग प्रौढ़िवाद कहते हैं, हठ, एक नहीं है, अनेक है, तत्व अनेक है, एक एक तत्व में असंख्य कण हैं, आत्माएं भी अनेक हैं। आत्मा शब्द से एक है, आत्मापना एक है, जैसे मनुष्य एक है, मनुष्यपना से, लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग है,
उनकी सबकी स्वतंत्र सत्ता है, एक दूसरे से भिन्न। ऐसे आत्मा की एक दूसरे से भिन्न स्वतंत्र सत्ता है, आत्मा एक नहीं अनेक है। ये सब प्रत्यक्ष है, अनुभूत है, इसलिए एक नहीं है। साहब कहते दो कहो तो गारी, द्वैत कहता हूं तो परमार्थ स्थित को गाली देना है। अंतिम अवस्था एक है, संकल्प शांत हो गया, अकेला रह गया, वहां द्वैत नहीं है। संकल्पों से द्वैत उपस्थित होता है, हमारे अनुभव में आता है। संकल्प शांत हो जाने पर द्वैत का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि चित्त शांत है, चित्त वृत्ति का पर्दा सिमट गया है, तो पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है। पर्दा खुला हो तो प्रतिबिंब पड़े, चित्त वृत्ति पर्दा है वो सिमट गई तो प्रतिबिंब उस पर कुछ नहीं पड़ रहा है, तो द्वैत नहीं हो रहा है, सामने कुछ नहीं आ रहा है। ये मन द्वैत उपस्थित करता है जीव के सामने। मन नहीं रहता है तो द्वैत उपस्थित नहीं होता है। सुसुप्त में मनोवृत्ति शांत रहती है, इसलिए द्वैत उपस्थित नहीं रहता है। हम कुछ नहीं जानते हैं, सुख से रहते हैं। सपना शुरू हुआ तो वहां मन का एक स्तर आ गया और उस पर संस्कारों के प्रतिबिंब उभरने लगे, द्वैत खड़ा होने लगा और नींद खुली तो मन पूरा साकार हो गया, पर्दा व्यवस्थित आ गया तो संसार के फिल्म उस पर पड़ने लगे, बस सामने आने लगा, जानने लगे। गाढ़ी नींद भंग हुई, एक एक वस्तु की याद आने लगी। मन के पर्दे पर जगत प्रतिबिंबित होता है। मन का पर्दा सिमट जाए, जगत के प्रतिबिंब कुछ नहीं, आत्मा अकेला। सुसुप्त में आत्मा अकेला, स्वप्न में दुकेला हो जाता है। ये जगत के प्रतिबिंब, जगत बिंबों का प्रतिबिंब वहां पड़ता है। जगत बिंब है, बिंब कहते हैं गोलाकार किसी भी आभा को। ऐसे बिंब, सूरज एक बिंब है, हर वस्तु बिंब है और उसका प्रतिबिंब होता है। जगत बिंब का प्रतिबिंब स्वप्न में प्रतीत होता है। कुछ कुछ बिंब आते, प्रतिबिंब आते हैं। गाढ़ी नींद में कुछ नहीं आता है और जागृत अवस्था में तो संसार सामने हो जाता है, क्योंकि संसार रूपी बिंब का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है, तब हम जगत को जानते हैं। हमें बहुत शब्द याद है, लेकिन एक काल में मन के ऊपर, मन के पर्दे पर जिस शब्द का प्रतिबिंब पड़ेगा उतने को जानेंगे, दूसरे को नहीं जानेंगे। याद तो बहुत है, लेकिन एक काल में एक ही प्रतिबिंब ग्रहण हो सकता, दो नहीं। जिस बिंब का प्रतिबिंब पड़ेगा जिस समय, बस केवल उतने को जानेंगे। इतना संसार हमसे दूर है, संसार को हम जबरदस्ती अपने में समेटने की चेष्टा करते हैं और समेटते समेटते बिखर जाता है। जब से हम बचपन में होशदार हुए हैं, समेटना शुरू किए हैं और बिखरता गया है।
मुझे याद है, क्या उम्र हो सकती है, याद है। कार्तिक का महीना था, दूर खेत में गए थे, कई बच्चों को ले गए, चलो तुम सब चिखुरी चिखरो, और खेत जोता जाता है, फिर हंगाया जाता है, तो उसमें घासें तैर करके ऊपर आ जाती हैं, उसको चिखुरी कहते हैं, उसको बटोरो। तो मजदूर भी लगे थे, बच्चे भी सब लगे थे, मैं भी लगा था। कार्तिक का महीना था, वहाँ से लौटा, आया दरवाजे पर, तो बड़ी चची अपने नैहर जा रही थी, बुलाने आया था एक आदमी, उनकी माँ बीमार थी, उनको देखा जाते कंधे पर कोट रखा था, फेंका और रोते जा करके उनको पकड़ लिया, आपके साथ मैं भी चलूँगा। तो उन्होंने मेरे हट को स्वीकारा। 5 मिनट रुक गई, मैंने हाथ पैर धोया और कपड़ा पहना, ठीक से फिर चला गया। कार्तिक का महीना था, दीपावली आई, दिया जलने लगा सर्वत्र। मैं चुपचाप दिया के तरफ जाऊं, खेत में घोर पर देवस्थान पर जहां दिया जले, जब बुझ जाए तो उठा लो। बुझाता नहीं था, इतनी ईमानदारी रखता था। बटोर बटोर करके लाया दरवाजे पर, ईंटों का रोड़ा था, उसी में जगह बनाया और उसी में रखता जाता था। खूब दिया बटोरा, अब ये उम्र थी, दिया बटोर रहा था, जब चलने लगा दिया कौन ले जाए, दिया वहीं रह गया। दिया बटोरा खूब शौक से, पहले दिन तो बटोरा ही, दूसरे दिन भी बटोरा। दीपावली कई दिन मनाई जाती है, दिया एक भी साथ में नहीं ले जा सका, चलते समय वो दिया बटोर के कौन ले जाए। जीवन में कितने कपड़े हमने पहने, सब फट के चले गए, अवस्थाएं चली गईं, कितने मित्र हमारे थे वे सब कहाँ हैं। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। हम जीवन भर बटोरते हैं और कुछ हाथ रहता नहीं, ये बटोरना भ्रम है। लेकिन शरीर ऐसा है, कुछ बटोरना पड़ता है, कुछ रखना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है, प्रयोग और वितरण करना पड़ता है। समझ में अंतर होना चाहिए, इस वास्तविकता को समझते रहना चाहिए कि हम कुछ भी बटोर नहीं सकते हैं। जिन हाथों से बटोरते हैं वह हाथ हमारे साथ नहीं रहेंगे। मेरा शरीर एक दिन जमीन पर पड़ा लाश के रूप में रहेगा, फिर गड्ढे में सड़ेगा या आग में जलेगा या पानी में मछली खाएंगी या जमीन पर पड़ा चील गीधों का आहार होगा, ये पक्का है। इस शरीर को हम बटोर नहीं सकते, ये अपने हाथ में नहीं है। जीवन भर हम बटोरते हैं और एक सेकंड में एक झटका लगता है और सब गायब हो जाता है। इस सच्चाई को समझने वाला व्यामोह में नहीं पड़ता, लेकिन यह समझना एक रस होना चाहिए। अगर यह समझदारी चित्त से उतर गई फिर भटक जाएंगे, तुरंत भटक जाएंगे। एक सेकंड के लिए भूले उतना भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए साधना की निरंतरता की जरूरत है। देहाभिमान जैसे स्वभाव सिद्ध जैसा हो गया है, वैसे आत्माभिमान स्वभाव सिद्ध होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, देह नहीं हूँ।
देहाभिमान पूरा गल जाने पर कैवल्य होता है, वो परम सुख परमानंद महाआनंद महानिर्भयता देहाभिमान के पूरा गल जाने पर होता है। हम सुख के लिए, निर्भय सुख के लिए ये देह को अपना मानते हैं कि देह मेरी है, लेकिन देह मेरी नहीं है, थोड़े दिन के लिए बर्ताव व्यवहार साधना के लिए है। इसके अंत को निरंतर देखो, इसके विनाश को निरंतर देखो, ध्यान में बैठो, कल्पना करो ये शरीर घूर पर पड़ा है, मुझसे अलग हो गया है, सड़ रहा, कीड़े किलबिला रहे हैं, विकृत हो गया है, फूट फूट के बह रहा है, अलग हो करके देखो मानस चक्षु से, शीतल हो जाओगे, शांत निर्भय, ये होने वाला है। एक दिन मेरे शरीर छूटे, सप्ताह भर हो जाएगा, दो सप्ताह, महीनों, वर्षों, शताब्दियों, सहस्राब्दियों, पता नहीं रहेगा, आज काल तो अनंत है। ये शरीर की ये दशा निश्चित है। शरीर का अहंकार पूर्ण विसर्जित हो जाने पर कैवल्य दशा आती है, असंग दशा, अद्वैत दशा, ये अद्वैत है। अपने आप में पूर्ण निर्भय हो जाना अद्वैत अवस्था है, अद्वैत सच है, अपने आप का अकेलापन, सब मिला के अद्वैत नहीं। ब्रह्मवादी कहते जड़ चेतन तो है ही नहीं, एक ही है, जड़ कहाँ है? इतनी सनक की बात कहते हैं जो हास्यास्पद है, और फिर कहते हैं ये मिट्टी पानी आग हवा आकाश इसकी इंद्रियां तत्व प्रकृति सब का विवरण करते हैं, आ ये पौंगड़ा शरीर में नहीं हूं। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है शरीराभिमान बमन की तरह त्याग दो, बमन की हुई उल्टी की हुई चीज को देखने में मन नहीं होता, अगर देखो तो घृणा होती है, देहाभिमान वो बमन की तरह त्याग दो, विषय वासनाओं को बमन की तरह त्याग दो। जो बमन की तरह त्यागने की चीज है वो मेरा स्वरूप कैसे बन सकती है? ये विरोधी बातें, जड़ अलग है, चेतन अलग है, और सब समय के लिए अलग है, एक समय के लिए नहीं। कपिल जी महाराज ने इसका वर्णन बहुत पहले किया है, और कपिल के समान दूसरा ऋषि नहीं हुआ है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ये श्वेतासुतर उपनिषद में कहा गया है। अग्र उपनिषद अग्न अग्र ऋषि कपिल है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, प्रथम प्रथम ऋषि कपिल है। गीताकार ने श्री कृष्ण मुख से कहलवाया सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल हूं। कपिल महा समर्थवान पुरुष, उनका ज्ञान सांख्य, आगे चल करके सांख्य का अर्थ ही हो गया ज्ञान। बौद्ध वाणी में भी सांख्य जहां आता है तो उसका अर्थ होता है ज्ञान, और सांख्य संख्या से हुआ है, उसमें तत्व प्रकृति की संख्या की गई है, इसलिए सांख। लेकिन आगे चल करके सांख्य रूढ़ हो गया ज्ञान के अर्थ में,
शब्द यात्रा करते हैं आगे भिन्न परिभाषा हो जाती है। बकरी के दूध को निकाल कर उसमें घी निकाला जाता था, उस घी को हवन करने में ज्यादा अच्छा माना जाता था, बकरी को आजा कहते हैं, इसलिए बकरी का घृत आज्य और उससे हवन किया गया। लेकिन आगे चल करके गाय इत्यादि के घृत को भी आज्य कहा जाने लगा। हजारों वर्षों से संस्कृत साहित्य में कहीं भी आज्य होगा वो घृत के लिए और घृत मात्र के लिए है, लेकिन शुरू में आज बकरी के घृत को कहा गया था। तो शब्द आगे चल करके और अर्थ बदलते जाते हैं। अद्वैत परमार्थ है, अकेलापन, हम अकेले हैं, आप अकेले, सब अकेले अकेले हैं। ये तो जोड़ जोड़ करके घाव माऊ हम लोग कर रहे हैं, आप हमारे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये व्यवहार है, क्षणिक है, इसमें माया मोह न बने। न मैं आपका हूँ, न आप मेरे हैं, ये निर्देश सत्य है। जो पति पत्नी बड़ा रागवान बनकर के कहते हैं मैं आपका हूँ अब आप मेरे हैं, वही जब बिछुड़ते हैं तब बात नहीं कर पाते हैं और चले गए, पत्नी रह गई, पति चला गया, पति रह गया, पत्नी चली गई, कहते आगे जन्म में फिर साथ होगा। पत्नी मर गई, 20-30 वर्ष के बाद पति मरा, कैसे साथ होगा? अब तक तो फिर वो बच्चे वाली हो गई होगी, जहां होगी तहां। तो ये सब खाली वर्तमान में प्रेम बढ़ाने के लिए, मोह बढ़ाने के लिए। कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अलग अलग है, सब अद्वैत है, अकेला है। परमार्थ है अकेलेपन का पुष्टिकरण, निर्भय सुख चाहो तो अकेलेपन का पुष्टिकरण करो, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, यही सच्चाई है। ये सच्चाई निर्दय है, इसमें दया नहीं है, और इसमें जो दया करेगा वो भटक जाएगा। वैसे व्यवहार में दया की जरूरत है, दया धर्म का मूल है। दुखी जीव पर दया करो, जो बन सके सेवा करो, लेकिन मोह पर दया ना करो। इसको समझने में कसर न करो। एक पत्नी सुन रहे थे मेरे प्रवचन एक जगह, मैंने कहा मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम मेरे नहीं हो, इस वास्तविकता को समझो। पत्नी पत्नी की तरफ मुड़ करके कहा तुम मेरी नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वो कहाँ गई बिचारी, लेकिन उसको ही मजबूत होना चाहिए, उसको भी स्वीकारना चाहिए। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। और सच्चाई से अपनी आंख कब तक मीचोगे? सुबह से उठ करके हम लोग अपने को धोखा देने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुबह उठे, शरीर सामने आया, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये महाधोखा पहला। फिर ये घर मेरा है, फिर ये बाग मेरा है, ये परिसर मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं, ये अनुगामी मेरे हैं, ये सब मेरे हैं, सब धोखा धोखा। रात दिन हम अपने को धोखा देते हैं, मालिक बने बैठे हैं हम, किसके मालिक आप हो? एक कण के मालिक आप नहीं हैं। आपका मालिकपन सोलह आने झूठा है।
हाँ, जब तक व्यवहार है, औपाधिक रूप में है, संबंधित है, और सेवा करना, मालिक नहीं नौकर है, दास है, ये समझो। कोई अपने को मालिक मत समझो। मालिक समझोगे चांटे खाओगे। जो मालिक समझाओ चांटा खाया। सेवक बनो, मैं सेवक हूँ समाज का। विवेकवान गुरु भी अपने को समाज का सेवक मानता है, अपने को गुरु नहीं मानता है। समाज के हम सेवक हैं, किसके मालिक हैं? सब बाहर आकर के गिर जाने वाला है, किसी का कुछ रहने वाला नहीं है, किसके मालिक है? परमार्थ अद्वैत है। परमार्थ का अर्थ है परम प्रयोजन, परम अर्थ, परम नाम श्रेष्ठ, सर्वोच्च अर्थ प्रयोजन। सर्वोच्च प्रयोजन जो है वो अद्वैत है, अकेलापन है। परमार्थ निसत वो अद्वैत है, वो अद्वैत है अपनी स्थित में। ये नहीं कि सबको मिला के अद्वैत है। एक भावात्मक अद्वैत होता है, एक गुणात्मक अद्वैत होता है, एक पदार्थात्मक अद्वैत होता है। भावनात्मक या भावात्मक अद्वैत भावना प्रधान है। जैसे हम कहें कि हम गांव वाले एक हैं, हम समाज वाले एक हैं, तो ये भावनात्मक एकता है, भावात्मक एकता है, भावना की एकता है। यद्यपि हम सब आप जितने लोग हैं, सबके विचारों में, संस्कारों में, गुणकर्मों में भिन्नता है, लेकिन हम लोग एक भावना के सूत्र में गुथे, इसलिए हम एक हैं। ये भावात्मक एकता है। गुणात्मक एकता, हम सब के गुण चेतन हैं, इसलिए गुणात्मक एकता है। मैंने गेहूं का उदाहरण दिया था, गेहूं के करोड़ों दाने व्यक्तित्व में अलग अलग हैं, लेकिन गुणात्मक एकता है। जो उनमें गुण है, आटापन, पिसानपन, वो एक है। व्यक्तित्व अलग अलग है, तो गुणात्मक एकता, भावनात्मक एकता ये है। पदार्थात्मक एकता नहीं है। एक ही पदार्थ है सर्वत्र परिपूर्ण, महा धोखा है, महा झूठ है। अनेक पदार्थ है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादि युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रिगुण विपर्याच्चैव। ये सांकारिका की एक कारिका है, कपिल जी महाराज का प्रखर चिंतन का फल। एकदम नीरछीर का विवेक कपिल महाराज ने सभ्यता के उषा काल में कर दिया था। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवृत्तेश्च त्रिगुण विपर्याच्चैव। इतने लक्षण भिन्नत्व के बता करके तब कहा पुरुष बहुत्तम सिद्धम। पुरुष बहुत है, ये सिद्ध है। जनन जन्म होना, मरणानाम मृत्यु होना, सबका जन्म एक साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है। मरण भी थोड़ी मोड़ी घटना, कहीं नाव डूब गई, कहीं कुछ हो गया, कई लोग एक साथ मर गए, थोड़ी मोड़ी घटना होती है। और मरण सब अलग अलग है। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद, करणों के प्रतिनियम। करण ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान जीभ चाम, इनके प्रतिनियम अलग अलग नियम सबके हैं। कोई आंख खोल करके देख रहा है, कोई आंखें बंद किए है, कोई लेटा है तो कोई दौड़ रहा है। तो करणों के प्रतिनियम तो अलग अलग हैं। एक कहाँ है,
जनन मरण करणा नाम प्रतिनियमात, करणों के प्रतिनियम अलग होने से, और अयुगपत प्रवृत्तेश्च, अयुगपत प्रवृत्ति युगपत प्रवृत्ति नहीं है, एक साधना में है तो एक घोर विषय वासना में है, एक अखंड वैराग्य में है तो एक महालंपट है, एक महादयावान है तो एक क्रूर कर्मी है, एक अपनी वस्तु को भी दूसरे की सेवा में लगाने की चेष्टा करता है, और दूसरा है जितना बन सके दूसरे को लूटो, तो अयुगपत प्रवृत्ति है, युगपत प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। और त्रैगुण विपर्याच चैव, तीनों गुणों में विपर्यय है, एक रजोगुणी है, एक सतोगुणी है, एक तमोगुणी है, इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम, ये सिद्ध है कि पुरुष बहुत है, पुरुष यानी आत्मा, इसमें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, तो प्रपंच सामने आता है तो कहना पड़ता है, न सिद्ध करने का जरूरत, सब है ये हैं अलग अलग, एक कहाँ है। इसकी मुझे याद आती है, काशी में काशीवास चल रहा था, कंपनी बाग में घूमने जाया करता था, पास में था वो अभी भी है, तालाब है और पार्क है, विशाल पार्क नागरी पचाणी सभा से लगा हुआ, बड़ा पोस्ट ऑफिस वहीं, सब खास खास जगह वहीं, तो सुबह शाम घूमने जाता था। सुबह वहाँ वेदांत सम्मेलन के नाम पर कुछ बूढ़े लोग बैठते थे, 8-10 रिटायर्ड, और उसमें एक गृहस्थ वेदांती जिनकी उम्र 60 से ऊपर होगी, हिंदी में बड़ा सुंदर वेदांत कहते थे और खाटी का वेदांत, कहें अज्ञानी कहता है कि देहरादून एक्सप्रेस बनारस आती और हावड़ा जाती, न देहरादून है न बनारस है न हावड़ा है, जगत तो तीनों काल में है ही नहीं। अब बूढ़े लोग सिर्फ झुमा झुमा करके सुनते रहते थे, मैं भी कभी कभी बैठ जाता था। वहाँ से आया, जब पहुँचा निवास पर, नीचे ऑफिस था, एक पंडित जी बैठे थे जिनकी पुस्तक भी छपना था और वो प्रेस में सेवक भी काम करते थे पढ़ने लिखने का। स्वामी जी कहाँ गए थे? मैंने कहा घूमने गया था और वेदांत सम्मेलन में बैठ गया, अद्वैत सिद्ध हो रही थी, तो उन्होंने ठहाका मार के वहां से, अद्वैत और सिद्धि, जितना अद्वैत कहो उतने अद्वैत की सिद्धि, खूब हंसे, वो विद्वान थे। तो कोई समझ सकता है अद्वैत सिद्ध कौन करता है, किसके सामने करता है? अगर दूसरा उपस्थित नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे? बोल रहे हैं इसका मतलब दूसरे का आभास समय है, तो द्वैत तो हो गया, तो अद्वैत सिद्ध करना है, बर्फ भून करके खाने का हट, बाल हट, बालक बर्फ को भून करके खाने का हट करता है, वो कैसे सफल होगा? तो सब मिला करके अद्वैत कहना भ्रम है, जड़ अलग है चेतन अलग है, जड़ में अनेक तत्व हैं, एक तत्व में असंख्य कण हैं, चेतन अलग अलग है, सबके कर्म फल भोग अलग अलग हैं, सबके सुख दुख अलग अलग हैं, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, सबके जन्म मरण अलग अलग हैं, सबके बंध मोक्ष अलग अलग हैं, और इसी अलग अलग स्थित को देख करके वेदांती लोग भी ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते हैं, मठ बनते हैं,
पुस्तकें लिखी जाती हैं और पुस्तकें छपा करके फैलाया जाता है। अद्वैत हो तो फिर कौन फैलाए, किस में फैलाए? इतनी सी बात ना समझ में आए। अद्वैत है वह है अकेलापन। संकल्प छोड़ दो, अद्वैत यहां किसका उपदेश हो रहा है? अद्वैत का ही तो हो रहा है, रोज अद्वैत का उपदेश हो रहा है। पारख सिद्धांत अद्वैत मानता है, लेकिन वो अद्वैत मानता है विवेक पूर्वक, और उसका विवेक कवि साहब दे गए हैं। एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर बिचारी। एक अगर कहूँ तो कैसे कहूँ, जड़ अलग चेतन अलग और अनेक जड़ तत्व, एक एक जड़ तत्व में असंख्य कण और चेतन सब अलग अलग, तो एक कैसे कहें? लेकिन जब संकल्प शांत हो गया, केवल दशा आ गई, वहाँ द्वैत कहाँ है? ये जीव किसी में जाके मिलेगा महाभ्रम है। बूंद समुद्र की भी चर्चा बहुत है, जीव बूंद है, ब्रह्म समुद्र है और उसमें मिलेगा। बूंद विकारी है, समुद्र विकारी है। बूंद असंख्य कणों का जोड़ है, 6000 संख परमाणु जल की एक बूंद में होते हैं, ये वैज्ञानिक मानते हैं। तो बूंद तो विकारी है, गतिशील है, भाप बन करके उड़ जाती है, और समुद्र भी विकारी है, असंख्य कणों का सागर है। तब बूंद समुद्र में मिलती है। अगर समुद्र ठोस निर्विकार हो और बूंद ठोस निर्विकार हो तो कैसे एक दूसरे में मिलना होगा? ब्रह्म अखंड है, जीव अखंड है, तो कैसे मिलेगा उसमें? जीव तो सामने है जो बोल रहा है, ब्रह्म कहाँ है? रमण महर्षि से एक ने पूछा, महाराज जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो? उन्होंने कहा, जीव काफी, क्यों ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे हो? यद्य वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने कहा जीव काफी है, जीव ब्रह्म है। और यही तथ्य तो यही होता है, जीव ब्रह्म है, जीव से अलग कहीं ब्रह्म है। साहब ने कहा, बूंद समाना समुद्र में सो जानत सब कोय, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोय। बूंद समुद्र में डूबती है, समा जाती है, ये सब जानते हैं। पानी बरसता है, समुद्र में बूंदें लीन हो जाती है। लेकिन समुद्र बूंद में समाया है, समुद्र का पानी भाप बन करके आकाश में गया और वही बूंद बन करके आया, जाने बिरला कोय। ये वैज्ञानिक दृष्टि वाले जानते हैं, ये आंख से नहीं दिखता है। वैज्ञानिक दृष्टि जिसकी वो समझ पाएगा। और बूंद समुद्र में गिरता है तो सब देखते हैं, सब जाने। समुद्र समान बूंद समाना समुद्र में सो जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में जाने विरला कोय। ये हो हल्ला बहुत है कि जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, लेकिन ये कोई बिरला जानेगा कि ब्रह्म जीव में पहले ही से लीन है। लीन उन कुछ नहीं, जीव ब्रह्म है, वही कानिक तरीका है। ब्रह्मत्व जीव में अपने आप है, जीव का श्रेष्ठत्व ब्रह्मत्व, उसका अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है, उधारी का सौदा नहीं है। जीव स्वयं अविनाशी है, लेकिन इसको गाली दी गई है। जीव तुच्छ है, प्रतिबिंब है, अंश है, आभास है, परिच्छिन्न है, ये गालियां दी गई है। ये दुर्भाग्य है आध्यात्मिक क्षेत्र का। जीव तो तुच्छ है, ब्रह्म बड़ा है, तो ब्रह्म कहाँ है कहीं पता नहीं चलता है। जो कहने वाला है, जानने वाला है, शास्त्रों का रचयिता है, वेदों का रचयिता है, ईश्वर ब्रह्म के सिद्धांत का स्थापक है, ज्ञान विज्ञान का प्रकाशक है, वो तो जीव है। और उसको तुच्छ कहते हैं,
ब्रह्म बड़ा है उसका कहीं तक पता नहीं, आज तक पता ही नहीं कहाँ है। ये उल्टी समझ का फल है। इसलिए घूम करके वेदांतियों ने कहा जीव ब्रह्मैव न परः, जीव ब्रह्म ही दूसरा नहीं। मैं अहम ब्रह्मास्मि कहा, तत्त्वमस कहा, आए कहे, लेकिन फिर भटकाव हो जाता है। भटकाव खत्म हो, स्थिर बोध होना चाहिए। एक रस्सी आप बटें, दस हाथ दहिनी और दस हाथ लबड़ी बाई, और ऐसे सैकड़ों हजारों हाथ बढ़ते जाएं, बटते जाएं, फिर जब ऐठने लगे तो क्या दशा होगी? पूरी रस्सी जाबा बन जाएगी। एक ढंग से बटें, दहिनी बटें या लबड़ी बटें, बाई बटें, निर्णय साफ होना चाहिए, गोलमाल नहीं। क्षण में जगत तीनों काल में नहीं है, और क्षण में जगत ब्रह्म का स्वरूप ही है कहना कितना गलत है। जो जगत तीनों काल में नहीं है उस जगत का आधार ब्रह्म है। जब तीनों काल में नहीं तो जगत का आधार ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म से जगत बना, और जगत है ही नहीं है तो कहाँ से कौन बना, क्या बना? ये उल्टी पलटी बातों से बोध नहीं होता, इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भटकाव है। जगत जगत के क्षेत्र में नित्य है, वो परिवर्तनशील है, बनता है बिगड़ता है। जगत तीनों काल में है और सदा बनता बिगड़ता रहा है, बनता बिगड़ता रहेगा। इसका प्रवाह है, यह प्रवाहमान है, यह प्रकृति का विकार है, जड़ प्रकृति का ये तथ्य है। जगत तीनों काल में नहीं, उसका अर्थ है आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। आत्मा में जगत कभी नहीं है, आत्मा बिल्कुल निर्मल है, उसमें कभी भी जगत नहीं है। ये मन के द्वारा जगत का केवल आभास होता है, इसीलिए उसी मन को ठीक कर लो और इसका आभास छोड़ दो, अपने आप रह जाओ। ये अद्वैत है, ये साफ वैज्ञानिक समझने योग्य। एक निर्विकारी अखंड ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण, बदल करके जगत हो गया, जड़ हो गया। जो सच्चिदानंद था, ब्रह्म सच्चिदानंद है, चेतन सच्चिदानंद है, वो आप हैं। आपसे जगत नहीं बनता, जगत तो प्रकृति का विकार है। जगत अलग है, आप अलग हैं, दोनों का फाट बहुत विशाल है। दोनों को एक में मिलाना ये धोखा खाना है। तो द्वैत अद्वैत ये अत्यंत विचारणी है आध्यात्मिक क्षेत्र में। द्वैत भी है, अद्वैत भी है। जगत नानात्मक है, जड़ चेतन अलग अलग हैं और सर्वथा अलग हैं, वो सब समय अलग रहते हैं। जड़ के अनेक तत्व हैं, एक एक तत्व के असंख्य कण हैं, और इधर चेतन भी असंख्य हैं। ये कभी एक नहीं होंगे, न जड़ चेतन एक होगा, न एक चेतन दूसरे चेतन में मिल जाएगा। चेतन का अपना अकेला रह जाना अद्वैत है। ये बोध हो जाए कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति मेरे स्वरूप में नहीं है, देह और जगत ये प्रकृति का कार्य है, मैं उससे सर्वथा अलग हूँ, और उसकी वासना छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाना है, बस अद्वैत हो गया, कैवल्य हो गया। जो प्रत्यक्ष ही संकल्पों को जो हम छोड़ देते हैं तो अकेले रह जाते हैं, गाढ़ी नींद में अकेले रह जाते हैं। इस अद्वैत अवस्था को समझें, परमानंद परम सुख निर्भय सुख अद्वैत स्थित में ही है, और वह है अपने को अपने में समेट लेना। आपका स्वरूप अद्वैत है, अकेला है, उसमें और कुछ नहीं। इस द्वैत अद्वैत की स्थित को समझें। साहब ने एक साखी में सब कुछ कह दिया, एक कहो तो है नहीं।
क्योंकि नाना जड़ चेतन सब जग अलग अलग हैं, लेकिन दो एक हों तो गारी। जब स्वरूप में स्थित हो गई, संकल्प छोड़ करके अपने आप में स्थित हो गया, उसमें द्वैत कहाँ है, अपने आप है। इसलिए है जैसा रहे तैसा, जैसा है वैसा रहता, आपके शब्द जाल से दूसरे ढंग से नहीं हो जाएगा। शब्द जाल आप करते रहो और जगत वैसे बना रहेगा। इसलिए है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते मैं विचार के कहता हूँ, भावना में बह के नहीं कहता हूँ, किताबों में लिखा है इसलिए नहीं कहता हूँ। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, मेरा तेरा मनुआ कैसे कोई रे। किताब में लिखा है एक ब्रह्म से जगत बन गया, बस उसके पीछे पड़ गए। वो किताब में भावुकता से लिखा है, भावुकता की बात प्रमाण नहीं होती है, भावनात्मक कथन होता है। किसी घर में कोई आया, परिचय पूछा, ये सज्जन का परिचय, उसने कहा इस घर में यही तो सब कुछ है, मतलब घर के वही मालिक। अच्छा अच्छा, ये घर के मालिक है, तो उसको कहा यही तो घर में सब कुछ है, ये घर में सब कुछ है, ये लाक्षणिक कथन है, मतलब घर के प्रबंधक है। ये नहीं कि वही लोटा है, बटलोई है, चटाई है, खटिया है, अनाज है, पानी है, बर्तन है, दीवार है, ऐसा नहीं। ब्रह्म सब कुछ है, मतलब ब्रह्म श्रेष्ठ है और ब्रह्म आत्मा है। वो माटी भी है, पानी भी है, गोबर भी है, ये नहीं। अच्छे अच्छे ब्रह्मज्ञानी के, मैं ही चांद हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही तारे हूँ, ये समुद्र लहराता, मेरा ही स्वरूप है। एक तरफ कहेंगे ये सब जड़ है, इससे मैं अलग हूँ, ये विरोधी बातें कह करके अध्यात्म को लोगों ने गड्ढमड्ड कर दिया है। प्रवचन में तो एक संकेत है, इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको बीजक व्याख्या, कबीर दर्शन, जड़ चेतन भेद प्रकाश, निष्पर्शत ज्ञान दर्शन, न्यायनामा, इन सब ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जो सही निर्णय देते हैं, शास्त्रों का पक्ष नहीं, परंपरा का पक्ष नहीं, और परंपरा और शास्त्रों का अनादर नहीं, निर्छीर विवेक। जगत नानात्मक है, स्वरूप स्थित अद्वैत अवस्था है। मन को समेट करके स्वरूप स्थित प्राप्त करो, यही शुभकामना है।